द्रौपदी का डांडा टू में एवलांच हादसे में अभी भी 20 पर्वतारोही फंसे हैं। हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोही दल के सदस्यों के बचाव के लिए जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जाबाजों को उतारा गया। उत्तरकाशी एवलांच में अब तक 10 शव बरामद हुए हैं, जबकि 14 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं 20 लापता लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जवानों को ऊंचे पर्वतों में बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी करने और बर्फीले तूफानों से बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से HWS के 16 सदस्यीय जवानों को हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोहियों को निकालने के लिए भेजा गया। बुधवार देर रात HAWS के जवान देहरादून पहुंच गए हैं। रेस्क्यू को पहुंची हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम गुरुवार सुबह इनकी टीम देहरादून से उत्तरकाशी बेस कैंप के लिए रवाना हुई। जवानों के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी पहुंचकर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें, उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का 44 पर्वतारोहियों का दल मंगलवार सुबह द्रौपदी का डांडा टू पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। तभी तक 14 लोगों को बचाया गया, जबकि 10 शव बरामद किए गए हैं। हादसे में उत्तरकाशी के लॉन्थ्रू गांव की एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल और भुक्की गांव की नौमी रावत की भी मौत हुई है। द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी उत्तरकाशी के बटवाड़ी ब्लॉक में भुक्की गांव के ऊपर स्थित है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।